हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया स्टॉक के बारे में और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी स्टॉक की खरीदारी या बिकवाली में हमारी कोई राय नहीं है। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट पर आपको नजर आएगा कि स्टॉक जो है एक कंसोलिडेशन फेस में है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक साइडवेज, थोड़ा सा साइडवेज है पिछले 3-4 महीने से, लेकिन RSI का सिग्नल है 60 के ऊपर बुलिश। ठीक है, यानी कि स्टॉक अभी ठीक स्थिति में है, हम खराब नहीं कह सकते। लेकिन वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट पर वीकनेस दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पर RSI 60 के नीचे है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें, एक रेजिस्टेंस लेवल भी आपको नजर आएगा। जी हाँ, स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक साइडवेज है। RSI सिग्नल दे रही है, साइडवेज है 40-60 के बीच में, तो अभी स्टॉक को अवॉइड करना ठीक रहेगा। ठीक है, वीकली चार्ट के अनुसार डेली चार्ट को एक बार कंफर्म करेंगे तो डेली चार्ट पर भी आपको कंफर्म दिखाई देगा कि स्टॉक अभी खरीदारी के मूड में नहीं है। मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो फिर हम स्टॉक में ये मानेंगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, या तो साइडवेज रहेगा या फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो मैं कहूँगा जिन लोगों को फ्रेश एंट्री लेनी है वो अभी अवॉइड करें स्टॉक को। ठीक है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय किया है वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। ओके, बाकी आपका क्या मन है उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, लेकिन अभी स्टॉक में वीकनेस है, खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान रहे, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और स्वयं के एनालिसिस के आधार पर ही स्टॉक में बाय या एग्जिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।